इमरजेंसी, ये शब्द सुनकर के सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि देश में कुछ बुरा होने वाला है। बात सही भी है। क्या भारत जैसे फेडरल कंट्री में इमरजेंसी के प्रोविजंस होने चाहिए या इमरजेंसी की पावर किसके पास है? क्या कोई एक पर्सन अपने खुद के बेनिफिट के लिए इस पावर को यूज कर सकता है? क्या सरकार या प्रेसिडेंट अपने मनमाने तरीके से इमरजेंसी को यूज कर सकती है? इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहेगा? आज सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो भी घमासान युद्ध चलता रहा है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजंस को, और मेनली ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा दो सरकारों के बीच में इसको लेकर के क्या उठापटक थी, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले किन कारणों से आप इमरजेंसी लगा सकते हो? पहला कंडीशन है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा है आर्म्ड रिवेलियन। पर क्या आर्म्ड रिवेलियन हमेशा से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है? तो हम बोलते हैं नहीं। पहले जो वर्ड यूज किया जाता था वो था इंटरनल डिस्टरबेंस, और भारत में आज तक तीन बार जो है इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। सबसे पहले इमरजेंसी लगाई थी 1962 में, फिर 1971 में, और लास्ट इमरजेंसी जो भारत को देखने को मिली थी वो 1975 में बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी लगाई गई थी। यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी पर्सन अपने हिसाब से इमरजेंसी लगा सकता है क्या, या प्रेसिडेंट किसकी बात को सुनकर के इमरजेंसी लगाएंगे? तो जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी तो उस इमरजेंसी को लगाया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के कहने पर ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है? क्या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या नहीं किया सकता है? क्या हम मानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर है? तो इमरजेंसी के बारे में बाय द 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी पावर नहीं है कि वो इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू कर सके। अगर प्रेसिडेंट ने किसी भी रीजन से इमरजेंसी लगाई है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को बाहर रखा गया। लेकिन बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जनता सरकार ने, यहां पर ये कह दिया गया कि आप इमरजेंसी के ग्राउंड्स को चेक कर सकते हैं कि वो सही ग्राउंड्स पर लगाई गई है या नहीं लगाई गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर आप कोई भी इमरजेंसी नहीं लगाओगे, इसके लिए जो भी कम्युनिकेशन है वो किया जाएगा इन राइटिंग बाय द कैबिनेट। साथ ही साथ हम ये भी अगर समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा बाद में, तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं उन ग्राउंड्स पे जिन ग्राउंड्स पर इमरजेंसी लगाई गई है। तो पहले जो प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन पे लगाई जाती थी इमरजेंसी, अब उसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स हैं किसी भी पर्सन के पास तो क्या वो ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड किया जा सकते हैं, और अगर सस्पेंड किए भी जाते हैं तो उनका क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेनेट कोलमैन केस की। बेनेट कोलमैन केस में सबसे पहले यह कहा गया कि अगर कोई लॉ पहले से भारत में वैलिड है तो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी की वजह से उसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम बात करते हैं एमएम पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की। यहां पर एलआईसी और एलआईसी के एम्प्लॉयज के बीच में एक समझौता हुआ था जिसके तहत एलआईसी अपने एम्प्लॉयज को बोनस देंगे, लेकिन बाद में इमरजेंसी के दौरान सरकार के द्वारा एक एक्ट लेकर के आया जाता है जिस एक्ट का नाम था एलआईसी मॉडिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1976। इस एक्ट के हिसाब से उन्होंने जो समझौता हुआ था उस समझौते को रद्द कर दिया। बात यह है कि जब इमरजेंसी खत्म हो गई इसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, ये सिर्फ इमरजेंसी के दौरान इनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि अगर इमरजेंसी एक बार खत्म हो गई तो जितने भी पुराने समझौते किए गए थे वो वापस रिवाइव हो सकते हैं, मतलब आप कोई भी लॉ बना करके किसी भी समझौते को ऐसे खत्म नहीं कर सकते। कोई भी लीगल क्लेम सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन की वजह से खत्म नहीं हो सकते। आर्टिकल 358 और 359 में लॉ बना करके सिर्फ इनको सस्पेंड किया जा सकता है और एम्प्लॉयज को इनका पैसा मिलना चाहिए। इसके पहले ये नियम था कि अगर आर्टिकल 19 सस्पेंड किया जा रहा है तो ड्यूरिंग इमरजेंसी या इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी कोई एक्शंस लिया जा सकता है, तो कह दिया गया कि अगर इमरजेंसी के दौरान और इमरजेंसी के बाद में कोई भी एक्शन अगर आपको लेना है अगेंस्ट द सस्पेंडेड फंडामेंटल राइट्स तो आप नहीं कर सकते। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में फिर से कुछ चीज़ें चेंज की गई, मेजरली चेंज किए गए थे 358 में, जहां पर कहा
कि आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर ही सस्पेंड किए जा सकते हैं। अगर लॉ रिलेटेड है इमरजेंसी से, उनके अगेंस्ट में किसी भी तरीके का एक्शन आप नहीं ले सकते ड्यूरिंग इमरजेंसी या इमरजेंसी के खत्म होने के बाद भी। लेकिन अगर ऐसे कोई भी लॉ है जो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है, उनके अगेंस्ट में एक्शन लिए जा सकते हैं। 1962 में इमरजेंसी लगाई गई थी इंडिया और चाइना वॉर की वजह से। यहां पर आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 को सस्पेंड कर दिया गया था बाय द प्रेसिडेंट। अब इस मामले में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था माखन सिंह, उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो माखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक बहुत फेमस मामला है। इस मामले में हुआ ये कि अगर किसी भी पर्सन को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जाने का थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी राइट नहीं है। लेकिन माखन सिंह ने एक एप्लीकेशन फाइल की अंडर सेक्शन 491 ऑफ सीआरपीसी। ये सीआरपीसी 1898 की बात की जा रही है। उसमें ये प्रोविजंस थे कि अगर किसी भी पर्सन को इलीगली अरेस्ट करके रखा है तो वो हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं अंडर सेक्शन 491A&P। यहां पर जब इस चीज को लेकर के डिस्कस किया गया तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर किसी पर्सन के हमने कोई राइट सस्पेंड करके रखे हैं हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने के, तो इसका मतलब होता है कि सारे ही राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हो या किसी और एक्ट में दिए गए हो। कोई भी पर्सन आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 या सेक्शन 491 ऑफ सीआरपीसी में भी कोर्ट के पास नहीं जा सकते। कुछ और इस एक्ट को लेकर के केसेस आए थे कोर्ट के सामने, जैसे प्रभाकर पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि अगर किसी पर्सन को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को वॉयलेट करके अरेस्ट किया गया है या जो भी तरीके दिए गए हैं अरेस्ट करने के उनका सही तरीके से अगर पालन नहीं किया गया है तो उस पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ये चेक कर सकते हैं कि किसी पर्सन को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में गिरफ्तार किया गया है या नहीं गिरफ्तार किया गया है। एक बहुत फेमस केस भारत ने देखा है इमरजेंसी के दौरान, हैबियस कॉर्पस केस, जिस केस का सही नाम है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। अब एडीएम जबलपुर वाले केस में हुआ क्या था कि भारत में ऑलरेडी इंडिया बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पर भारत में इमरजेंसी लगी थी 1971 में। उसी इमरजेंसी को दोबारा लगाया गया था इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर। जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दोबारा भारत में इमरजेंसी लगाई तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने जितने भी अपोजिशंस के लीडर्स थे या जो दूसरे पर्सन थे उनको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में अरेस्ट करवा लिया था। क्या कोई भी पर्सन जिसको मीज़ा एक्ट में अरेस्ट किया गया है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? एडीएम जबलपुर वाले केस में शिवकांत शुक्ला को नहीं बताया गया कि उनको अरेस्ट किन ग्राउंड्स पर किया गया है। जब ग्राउंड्स उनको नहीं बताए गए तो वो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट का ये कहना था कि किसी भी पर्सन को अगर मीज़ा एक्ट में भी अरेस्ट करके रखा गया है तो हाई कोर्ट ये देख सकती हैं कि उनका अरेस्ट लीगल है या नहीं है या जो भी प्रोविजंस है मीज़ा एक्ट के उसी के अकॉर्डिंग उनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन इस चीज़ में केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच थी उस बेंच में जो जजेस थे मैं उनके आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया A.N. Ray, जस्टिस बेग, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस P.N. Bhagwati एंड जस्टिस H.R. Khanna। और इस बेंच का जो जजमेंट था वो सरकार के पक्ष में आया। यहाँ पर अगर मैं जस्टिस बेग के शब्दों में बताऊँ तो उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि जो भी व्यक्ति इससे मांगेगा उसको सब मिल जाएगा। यहां पर H.R. खन्ना का डिसेंटिंग जजमेंट था। H.R. खन्ना ने कहा कि अगर किसी भी पर्सन को जब इलीगली अरेस्ट किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होनी चाहिए या हाई कोर्ट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो ग्राउंड्स चेक कर सके। यहां पर आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था माखन सिंह का केस, माखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस की जब बात हुई तो किसी भी पर्सन को अगर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में अरेस्ट किया गया है तो ये देखा जा सकता था कोर्ट्स के द्वारा कि क्या सही तरीके से अरेस्ट किया गया है कि नहीं किया गया है, क्या उनको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के जो प्रोविजंस थे उन्हीं प्रोविजंस में अरेस्ट किया गया है। ये पावर हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास होती थी। लेकिन इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कहना था एडीएम जबलपुर वाले केस में कि माखन सिंह वाला केस जो था वो कंडीशनल ऑर्डर था जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बात की गई थी। लेकिन जब
1975 में इमरजेंसी लगाई गई है तो ये ब्लैंकेट ऑर्डर है। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक एक्ट के बारे में बात नहीं की गई है बल्कि जनरल सारी चीज़ों के बारे में ही बात की गई है। इसीलिए किसी भी पर्सन के पास अगर उनको अरेस्ट किया जाता है या डिटेन करके रखा जाता है तो किसी भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो ग्राउंड्स को चेक कर सके। और किसी भी पर्सन के पास अगर आर्टिकल 20 या 21 की भी हम बात करें कोई भी राइट अवेलेबल नहीं था कि वो किसी भी कोर्ट के पास जा करके अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं। इस चीज़ को देखते हुए भारत में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जाते हैं जनता सरकार के द्वारा। उन्होंने आर्टिकल 359 में ये अमेंडमेंट किया कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं कर सकते हो, और आर्टिकल 19 को भी अगर सस्पेंड करना है तो सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे ही आप अमेंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ इन्होंने एक मेजर चेंज ये भी किया था कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने ही से कोई भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी नहीं की जा सकती है। इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए एटलीस्ट कैबिनेट जो है वो राइटिंग में लिख करके देंगी प्रेसिडेंट को, तभी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और इन्होंने पार्लियामेंट को ये पावर दी कि वो पार्लियामेंट चाहे तो इमरजेंसी को वापस भी ले सकते हैं। ये थी पूरी कहानी इमरजेंसी की। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हम लोगों ने इमरजेंसी वाले प्रोविजंस में देखे। मेजर चेंजेस जो किए गए थे वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किए गए थे, और उसमें ये भी ध्यान रखा गया था कि किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता भले ही भारत में इमरजेंसी के सिचुएशन क्यों ना हो जाए। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब।